फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूँ भारती। तो ब्लॉग का भी मैं एडिट करके आती हूँ, इसीलिए ये माइक पहना है। और टाइम हो रहा है सुबह के 8:40, हाँ 8:40 हो रहे हैं। और मैंने अभी अभी चाय पी है, कप अभी भी यहीं पड़ा है। ये ना एक ये नए बिस्किट लेके आए थे, हाइड चोको रोल्स, तो ये बहुत टेस्टी है ये वाले। तो ये पूरा डिब्बा जो है ना, वैसे इस पे 170 प्राइस है, तो लेकिन ये हमें मिला है 80 का एयरफोर्स की कैंटीन से, तो ये 80 का मिला है। तो ये बहुत ज़्यादा टेस्टी है, नहीं एयरफोर्स की कैंटीन से नहीं, जो विशाल मार्ट है वहाँ से डिस्काउंट में। तो पहले तो जब इन्होंने ऑर्डर करा था तो मैंने गुस्सा किया कि क्यों मंगवा रहे हो, तो मुझे तो पसंद नहीं बिस्किट इतने। लेकिन जब मैंने खाए, क्योंकि इतने दिन जब वाईफाई का जो रिचार्ज है वो भी खत्म हो चुका है, तो बारिश का कोई नामो निशान नहीं है। तो अभी तो मेरी तबीयत ठीक है। आज मैंने बिस्तर भी धोने हैं, क्योंकि काफी दिन से धोई नहीं हूँ। और मेरा रंग फेस इतना नहीं है, फेस पता नहीं क्यों इतना चमक रहा है। तो ये भी मुझे बोल रहे थे, पर मुझे आईने में देख के तो नहीं लगता, आईने में तो ड्राई ड्राई सा लगता है, तो पता नहीं क्या चक्कर है। तो अभी आज बिस्तर धोने का काम मैंने करना है, आज हेयर वॉश भी करने आ रहा है भाई, जिसे बुढ़ों की नहीं हो जाती ऐसे हो गई है यहाँ याद है मुझे। कुछ लोग मुझे बोलते हैं कि फिट वीडियो बनाओ, फिट वीडियो ज़्यादा अच्छी होती है, लेकिन मैंने काफ़ी बारी उनको कमेंट में रिप्लाई किया है कि हाँ, मैंने जब ये चैनल स्टार्ट किया था तब मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं थी फिट वीडियो के बारे में, तो मैंने किसी की वीडियो देखी थी तो मुझे भी लगा था कि मुझे भी ये करना चाहिए। जैसे नेल पेंट लगाते हैं, पायल पहनते हैं, तो इसमें कोई बुराई तो है नहीं। जो कॉन्टेंट है ये थोड़ा अलग टाइप का है, तो मतलब बता नहीं सकती क्योंकि मुझे खुद नहीं पता कि, लेकिन ये नॉर्मल कॉन्टेंट नहीं है जैसे हम नॉर्मल है, और इस पे एड्स नहीं लगती हैं, और इससे कोई भी अर्निंग नहीं होती है, पता नहीं आता है या कमाई नहीं होती है। तो इसीलिए मैं फिट वीडियो जो है वो नहीं बनाती हूँ। अभी आपकी इच्छा है, अगर आपको ब्लॉग अच्छे लगते हैं तो आप देख सकते हैं, बाकी आपकी इच्छा है। और फिट वीडियो का जो है वो मैं अभी इसमें ऐड नहीं कर सकती, तो उसके लिए सॉरी। हमारी रोटी तो भिंडी की सब्जी बनाई थी रात को, दो रोटी बना ली है, मतलब सारा आटा खत्म कर दिया। और ये है दही, इसकी मैंने लस्सी बना ली है, पानी अभी ऐड करना है। तो ये हमारा आज का ब्रंच है। हम बाहर जा रही है और हमने नहा लिया है, घर का सारा काम भी कर लिया है। टाइम हो गया है शाम का, 6 बजने वाले हैं, और सूरज जो है छिप गया है। बाहर का मौसम बहुत अच्छा हो गया है, ठंडा ठंडा सा, तो हवा भी कम हो गई है। और मैं पूरी दोपहर जो है सोई थी और बहुत गहरी नींद आई, और अभी जो है मैं चाय बनाने लगी हूँ, तो तब मैं खाना खा के आराम से सो गई थी, क्योंकि मैंने लस्सी भी थी तो उससे अच्छी खासी नींद आ गई। तो अभी बस मैंने जो है चाय बनानी है, पीनी है, तो कढ़ी बनाने का है, बाकी देखते हैं। तो आज कढ़ी पकौड़ा नहीं बनेगा, आज सिंपल कढ़ी बनाऊंगी, सिर्फ आलू प्याज अदरक लहसुन मैंने डाला है, हरी मिर्च भी डाली है, तड़का यहाँ पे लग गया है, और इसमें मैं नमक हल्दी और मिर्च जो है वो डाल के अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और आज तो कढ़ी का कलर जो है काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे, तो देखने से ऐसे लग भी रहा है कि कढ़ी अच्छी ही बनेगी, और बनी भी अच्छी थी। और थोड़ा मैंने यहाँ पर पानी डाल दिया है ताकि मसाले जो हैं जल ना जाएँ। और कढ़ाई में कढ़ी बना रही हूँ, तो थोड़ा मतलब कि उसी हिसाब से बनानी पड़ेगी, और मैं हूँ भी अकेली तो उसी हिसाब से है। तो आज मैंने ज़्यादा दही लिया है, थोड़ा बेसन लिया है, तो बीच में जैसे लॉन्ग टाइम के लिए नहीं बनाते हैं तो थोड़ा दिमाग से चीज़ निकल जाती है कि खट्टी कढ़ी कैसे बनती है, तो हमेशा दही ज़्यादा लेना है तो बेसन कम लेना है, तो कढ़ी जो है फिर अपने आप खट्टी बनेगी। तो कलर आप देख सकते हैं कितना अच्छा आया है कढ़ी का। तो यहाँ पे मैं जो है प्याज काट रही हूँ चावल के लिए, कढ़ी के साथ तो ऑब्वियस है चावल ही बनेंगे, और जब मैं अकेली होती हूँ वैसे भी ज़्यादातर चावल ही खाती हूँ। तो वैसे कढ़ी को हम कुकर में भी ट्राई कर सकते हैं, लेकिन मैंने किया नहीं है, किसी किसी के से मैंने सुना है कि कुकर में भी कढ़ी बनती है, तो मैंने तो कभी नहीं बनाई। आपने बताई तो मुझे बताना, मैंने कभी नहीं बनाई, तो मुझे ऐसे लगता रहता है कि कहीं कुकर फट ना जाए या कुछ ऐसे ना उसकी विसल से ये बाहर ना निकल जाए,
कढ़ी थोड़ी गाढ़ी टाइप की होती है और बेसन फूल जाता है, तो मेरे हिसाब से तो ओपन में ही ये बननी चाहिए, मतलब खुले बर्तन में बननी चाहिए। तो कढ़ी को यहाँ पे टाइमर लगा के मैंने रख, कढ़ी और दही जो है काफी दिन का पड़ा हुआ है और मतलब कि 2-3 दिन पुराना है, तो आज मैंने धूप पे रख दिया था। अभी देखते हैं कभी कभी बनाओ। पानी डाल के मैंने इसमें जो है इसको ढक देना है। टाइमर लगा दिया है मैंने 24 मिनट का, मतलब कि पहले भी थोड़ी कुक हो चुकी है, और फिर उसके बाद जो है इसको हम देखेंगे। तब तक हम पीते हैं ये। और काफ़ी दिन से मैंने कोई नमकीन वगैरह भी नहीं खाया है, जैसे कुरकुरे वगैरह, तो आज पीऊँगी। और ये मैंगो का है एक ड्रिंक, को फ्लोट करती है, इसमें छोटे छोटे ऐसे पीसेस होते हैं, पता नहीं ये फ्रेश है या कैसे है, मुझे तो नहीं आइडिया, लेकिन ये टेस्टी बहुत लगते हैं। नहीं खाऊंगी ये बिस्किट, सॉरी चिप्स है, बनाना चिप्स भी काफ़ी टेस्टी हैं, तो हस्बैंड ये पैकेट खोल के गए थे, तो इसी को फिनिश करेंगे। तो उस दिन के खाया मुझे याद ही नहीं था, चाय के साथ ये अच्छे लगते हैं, मतलब टेस्टी हैं काफ़ी। खाना बन के हो गया है बिल्कुल रेडी, कढ़ी चावल खीरा एंड पानी। तो आज के ब्लॉग को मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। तो उससे पहले एक बात करना चाहती हूँ, अभी भी एक कमेंट आया कि मैं थोड़ा मतलब कि आवाज़ क्या बोल रही हूँ पता नहीं चलता, तो मैं तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ कि ज़ोर से बोलूँ, लेकिन मेरी आवाज़ ऐसी ही है। और हो सके तो अगर आप बुरा ना माने तो आप एयरफोन लगा के सुन सकती हैं, बाकी मैं अपनी तरफ से पूरा ट्राई करूंगी। और रात के 9:30 हुए हैं, तो क्योंकि यहाँ पे ना तूफान वगैरह भी काफ़ी चलता रहता है, तो उसकी वजह से आजकल थोड़ा वॉइस में डिस्टरबेंस हो रही है। तो मैं कोशिश करूंगी कल का जो ब्लॉग बनाऊंगी उसमें माइक यूज़ करने की, और थोड़े मतलब ऐसे मुझे जैसे डस्ट एलर्जी है, तो उस वजह से मुझे आजकल काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है। तो वैसे मेरी नेचुरली आवाज़ भी थोड़ी कम ही है, मैं ज़्यादा लाउड नहीं बोलती हूँ, तो बाकी उसके लिए सॉरी, नेक्स्ट टाइम मैं कोशिश करूँगी पूरा। तो अभी क्या लेते हैं खाना और ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना, फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।